हेलो एवरीवन, आई एम रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। आज ही हमारी रेसिपी है चिली पनीर ग्रेवी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल बटन होगा, उसे ज़रूर हिट कर देना, जिससे जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे सबसे पहले नोटिफाई हो सके। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मोटी कटी गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर में ऑनियन पेस्ट, पनीर क्यूब, वेजिटेबल स्टॉक, मैदा और चावल के आटे का मिक्स। अब हमें चाहिए अजीनोमोटो, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, विनेगर, कॉर्नस्टार्च और पानी का मिक्स। अब हम पनीर को मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे, जिसे हमने मैदा और चावल के पेस्ट में कोट कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटर एंड ऑनियन प्यूरी, इसे ऑयल छोड़ने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, शुगर, ब्लैक पेपर, नमक स्वादानुसार। हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे लीड लगाकर 5 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, अजीनोमोटो, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल स्टॉक, कॉर्न स्टार्च मिक्स। अब ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लें। अब इसमें हम अपने पहले से फ्राई किए हुए पनीर क्यूब ऐड करेंगे। लीजिए, अब हमारी चिली पनीर ग्रेवी तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे ओरिएंडर एंड रेड चिली से। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।